राम चंद्र कृपालु भजे मन हरण भैदारुणम् नव कर। कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्चारुणम् गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मान तणित रुचि शुचि नामी जनक सुतावरम भजुदीने बंधु नमस्कार मेरे दोस्तों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने एजुकेशनल चैनल यूट्यूब चैनल वुगली लाइव स्टूडियो में माय डियर फ्रेंड्स ब्लड हमारी यूनिट शुरू हो चुकी है हेमाटोलॉजी के अंदर और इसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आज उसी से आगे हम बढ़ाएंगे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उससे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि हमने कहाँ क्या, क्या क्या कर लिया और अच्छा एक और जानकारी आपसे मुझे चाहिए कि आप सबने टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्मेंस किया है किसने कैसा परफॉर्म किया कैसा नहीं किया कितना कितना स्कोर आप सबका रहा था टेस्ट में क्लास के अंत में मुझे एक बार जरूर शेयर करना क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे तो बहुत अधिक समय वेस्ट हो जाएगा तो आप क्लास के अंत में मुझे अपना लिख करके स्कोर बताना आपका नाम और आपकी सिटी का नाम कि सर मैंने कितना स्कोर किया है देखिए साथियों हर संडे को जो आपकी सीरीज में करवाऊंगा उससे आपको एनालिसिस करवाऊंगा अपने आपको इवेल्युएशन करवाऊंगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो चलिएगा हम एक बार आपको रिव्यू करवा देते हैं कि क्या क्या हो चुका है आपका ये टेस्ट नंबर फोर्टीन हो चुका है टेस्ट फोर्टीन मैं ले चुका हूं कल था ये दस से साढ़े ग्यारह रात को आपकी साउंडर्स पूरी कंप्लीट है लेक्चर नंबर वन से लेकर एटी सेवन तक के लेक्चर साउंडर्स के हैं ओके और पीआर यादव के अंदर आपका लेक्चर नंबर आज नाइनटी फोर नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स के करीब लेक्चर है और एस एन ट्वेंटी एट के अंदर आज सेल शुरू हो चुका है के और जिम्स क्रैश कोर्स के अंदर भी आज मैक्सिमम क्वेश्चन सेल के ही थे ओके okay? और ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है आगे मैं बात करता हूं आपसे तो हमारा अगला क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना इम्यूनोग्लोबुलिंस वाला टॉपिक आज हमारा चलेगा यानी कि आप समझते भी होंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिंस क्या काम करती है सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इम्यूनोग्लोबुलिंस क्या होती है इम्यूनोग्लोबुलिंस आर मेरे दोस्तों अगर आप जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं ये हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स होती हैं हैं जो डिफेंस का कार्य करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का कार्य करती है तो एक तरह से पहली बात सीख लो कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है तो सर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि जरा मैं समझाता हूं आपको इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन अब ये ग्लोबुलिन क्या होती है ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रकार की ग्लोबिन प्रोटीन होती है ग्लोबिन प्रोटीन होती है जो किसका काम करती है बेटा हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस का कार्य करती है यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का कार्य करती है डू यू अंडरस्टैंड एवरी तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि ये क्या होती है क्या ये पोलिसकेराइड है क्या ये शर्करा है नहीं क्या यह लाइपोप्रोटीन है क्या लिपिड की लिपिड के कॉम्बिनेशन के साथ बनती है क्या यह एमिनो एसिड है नहीं है <coughs> 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 तो फिर क्या है तो आपसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी क्लास लाइक कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स जिसने लाइक like नहीं कर रखा है आते ही क्लास लाइक like कर दिया करें और शेयर कर दिया करें क्योंकि हमारा समय खराब ना हो तो देखिएगा इम्यूनोग्लॉब क्या है मेरे साथियों इम्यूनो क्या है एक प्रकार की ग्लोबिन प्रोटीन यानी ब्लड में जो प्रोटीन होती है एल्बोमिन ग्लोबुलिन प्रोथ्रोमिन फाइब्रिनोजन ये आप सब जानते हैं तो ब्लड की जो ग्लोबिन है ना ग्लोबुलिन प्रोटीन वो एक डिफेंस का कार्य करती है और जब ये डिफेंस का कार्य करती है तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं यानी कि आईजी कहते हैं तो ये आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक प्रकार की ग्लाइको प्रोटीन होती है क्या होती है साथियों तो आज के बाद याद रहेगा सबको कि इम्यूनोग्लॉबुलिन का क्या मीनिंग है और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है और हमारी बॉडी में पांच प्रकार की होती हैं गम दे आई जी जी आई जी ए आई जी एम आई जी डी और आई जी ई गम दे प्रकार की पांच टाइप की इम्यूनोग्लॉबुलेंस हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और ये होती हैं ग्लाइको क्या होती हैं ग्लाइको ंडरस्टैंड एवरी वन ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सबका तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है साथियों जिसके पांच कोने होते हैं यानी कि एक दो तीन चार और पांच एक दो तीन चार और पांच कौन से टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन जो है मेरे साथियों वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का इम्यूनोग्लोबिलिन है क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा इम्यूनोग्लोबिलिन पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का इम्यूनोग्लोबिलिन होता है यह इम्यूनोग्लोबिलिन और ये इसकी सब यूनिट्स क्या है ये ये सब यूनिट्स हैं तो ऐसी एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन वेरी गुड शाबाश एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन होती है मेरे साथियों जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग नाइन सिक्सटी थाउजेंड लाख साठ हजार नो लाख साठ हजार मॉलिक्यूलर वेट वाली यह सबसे हेवी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है और इस इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर में पांच सब यूनिट मिलके इसका फॉर्मेशन करती है इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को देखने पर हमें यह पेंटामेरिक स्ट्रक्चर लगता है तो आंसर क्या निकल के आया एक बार पोस्ट कर दीजिएगा दीजिएगाविएस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन और सबसे ओल्डेस्ट अच्छा बताइए ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा मैं जो क्वेश्चन पूछूं अब उनके जवाब दीजिए आप देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन वाला टॉपिक आपका कितना स्ट्रॉन्ग है इसका आंसर तो यह आ गया डी ऑप्शन आई जी एम यानी कि आप सबको आता होगा आई जी एम यानी इम्यूनोग्लोबिलिनियोन एयर इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्या कहते हैं मिलियोन एयर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं इसलिए मिलियोन एयर इम्यूनोग्लोबिलिन भी कहते हैं आई जी एम को सबसे ओल्डेस्ट है सबसे हेवीएस्ट है अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं बताइए सबसे हेवीएस्ट टिमिनोग्लोबिलिन का आंसर बताइए क्वेश्चन वन सबसे हैवियस्ट कौन कौनसी आंसर लिखते जाइए फटाफट सबसे ओल्डेस्ट टिमिनोग्लोबिलिन कौन सी फट. क्वेश्चन के नंबर के साथ आंसर दीजिए वर्टिकल ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन question number 4 mother to fetus question number 5 mother to child mother to child question number 6 placental transmission question number 7 recent infection क्वेश्चन नंबर आठ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन क्वेश्चन नंबर नौ इम्यूनोग्लोबुलिन इन एलर्जी क्वेश्चन वन का आंसर एक एक करके आंसर दो आप वन का आंसर दीजिए ताकि मैं आंसर लिख दूंगा तो सबको याद हो जाएगा जिसको नहीं आता है उसको भी वन का आंसर दीजिए फोगट बेटा बाद में बात करेंगे अभी आप के बात है मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना ठीक है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करिए वन का आंसर क्या आ गया आईजीएम क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दीजिए टू का आंसर भी आई जी एम वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दीजिए वर्टिकल ट्रांसमिशन जब बच्चा मदर के वॉम्ब में इस तरह से लटका होता है ऐसे उल्टा लटका होता है यानी कि मदर से वर्टिकली फीटस के अंदर आने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है आईजीजी, आईजीजी। जी आई जी जी अच्छा मदर टू फीटस फिर से आप आंसर दीजिए मदर टू फीटस फिर से एक आंसर करिए और क्लास लाइक करिए जिसने नहीं कर रखा है आते ही क्लास में आते ही लाइक बटन दबा दिया करो आप लोग मदर टू फीटर्स क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा आई जी जी अगेन आई जी जी वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या होगा आंसर नंबर भी साथ में लिखें क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर में क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करिएगा अब देखिएगा मैं इंतजार कर रहा था इसी पल का इसीलिए मेरे बच्चों मेरी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है हर एक स्टूडेंट को जो एम्स में जाना चाह रहा है ठीक है ना <laughs> मैं इंतजार कर रहा था इसी पल का मैं बहुत आपने सोचा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सर ने लिख रखे हैं यहां पे और मैं यही सुनना चाह रहा था मैं इंतजार मुझे इंतजार था क्वेश्चन नंबर फाइव का कि ये कब आएगा और कब आप मेरे जाल में फसोगे और इतने सिंपल क्वेश्चन को मैं कब गलत करवाऊंगा आपसे अब सही करने से क्या होता है अब क्या मतलब निकला <laughs> जब मैंने लिखा मदर टू फीटस तो हर व्यक्ति ने रट रखा है आई जी जी और मैंने उसी बात को मेरे दोस्त यहां पर लिखा मदर टू चाइल्ड अब आपको समझना यह था कि चाइल्ड तो बच्चे को तब कहते हैं जब वो पैदा हो जाता है और पैदा हो जाने के बाद मदर के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एक एंटीबॉडी बच्चे में जाती है ब्रेस्ट मिल्क से और ब्रेस्ट मिल्क से जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन का आंसर ए है अच्छा फंस गए थे कि नहीं फंसे आप लोग आप बताओ मुझे ईमानदारी से बताना इस क्वेश्चन में सब लोग फंसे थे नहीं फंसे थे स्टार लगा रहा हूं यहां ये आपको टारगेट पीआर इनमें नहीं मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन मेरे बच्चों मेरे खुद के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं ठीक है जो लोग के और जिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिम्स तो पोस्टपोन सा हो गया है के जो आने वाला है हमारा तीस चालीस दिन के बाद तो जो लोग मेरे साथ क्रैश कोर्स में तैयारी कर रहे हैं वोगली ऐप के अंदर कोर्स बाय करके तो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्लास सबके लिए कंपलसरी है चाहे आप पेड़ पढ़ रहे हो मेरे पास या फ्री पढ़ रहे हो आप कैसे भी पढ़ो लेकिन ये क्लास कंपलसरी है ठीक है चाहे वो करें ना करें लेकिन ये कंपलसरी है समझ में आ गई बात आपको और टेस्ट आपका कंपलसरी है क्लियर है गए थे ना अच्छा एक और बताइए आप कौन सी इम्यूनोग्लोब क्वेश्चन नंबर टेन टेन का जवाब देना कौन सी इम्यूनोगिन को सिक्रेटरी इम्यूनोगिन कहते हैं सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिलिन किसे कहा जाएगा सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिलिन किसे कहते हैं और सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिलिन एक ए को कहा जाता है अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर मेंशन करो आंसर देते टाइम सलाइवा <coughs> में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है सलाइवा में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है सलाइवा में सलाइवा में वेरी गुड इम्यूनोग्लोबुलिन ए अच्छा ये बताइए टीयर्स के अंदर कौन सा होता है जब आंखें रोती है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उसके अंदर होता है टीयर्स के अंदर ट्वेल्व में टीयर्स में भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है अच्छा यह बताइए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है इसके बाद के क्वेश्चन अगले पेज पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है सबसे कम मॉलिक्युलर वेट कौन सी इम्यूनोग्लोबिलिन का होता है सबसे कम मॉलिक्युलर वेट होता है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन जी का तभी तो इसी कारण कितना होता है सिर्फ वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है ना अरे इसीलिए तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन आसानी से प्लेसेंटल बैरियर के छेद में से निकल जाती है इसके अलावा बाकी की प्लेसेंटल बैरियर में बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है सो so, सो so, तो यहां एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं रेशनल सॉन्डर्स का सो इट कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इसीलिए ये प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर जाती है समझ में आ गया आपको सबको क्योंकि इसका सबसे कम मॉलिक्युलर वेट होता है अच्छा अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर दीजिए। दीजिएस्ट या मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम मॉलिक्युलर वेट इम्यूनोग्लोबुलिन? इम्यूनोग्लोबिलिन सी इम्यूनोग्लोबिलिन का मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है शाबाश मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है इम्यूनोग्लोबिलिन एम का और कितना होता है नाइन लैक सिक्सटी थाउजेंड नौ लाख साठ हजार ठीक है अब आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इम्यूनोग्लोबुलिन का मॉलिक इम्यूनोग्लोबुलिन ए का मॉलिक्युलर वेट कितना होता है इसका जवाब दीजिए मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता बेटा ये एक क्लास आपके लिए इतनी बेस्ट होगी कि आपके रिजल्ट ही चेंज कर देगी इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता इसमें एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे वेरी गुड इम्यूनोग्लोबुलिन का मॉलिकुलर वेट होता है वन लैख सेवेंटी थाउजेंड एक लाख सत्तर हजार अब बताइए आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इम्यूनोग्लोबिलिन डी इम्यूनोग्लोबिलिन डी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इम्यूनोग्लोबिलिन डी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है शाबाश वेरी एक्सीलेंट वन लेक एट्टी फोर थाउजेंड ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन बताइए आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इम्यूनोग्लोबिलिन ई इम्यूनोग्लोबिलिन ई का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वेरी गुड शाबाश बताइए भाई वन लेख एट्टी एट थाउजेंड एक लाख अट्ठासी हजार इसका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट होता है ई e का क्रिस्टल क्लियर हो गया है सारा टॉपिक अरे पीआर में जो दे रखा है उससे नहीं पढ़ना है रेशनल और एक्सप्लेनेशन जितने भी मैं बता रहा हूं वो सब करेक्ट कर लेना ठीक है पीआर से मैं सिर्फ क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहा हूं इतना ध्यान रखना आप लोग ठीक है एक्सप्लेनेशन आंसर जरूर उसके जैसे हो सकते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन और उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सब मैं मेरे हिसाब से समझा रहा हूं ठीक है ना तो तुम लोगों को जो मैं समझा रहा हूं वो याद करना है अब आ जाइएगा क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज पेंटामेरिक ये क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का आईजीएम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आईजीएम अच्छा आईजीएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है इट इज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट क्या ये सबसे होता है नहीं भाई साहब ये तो लार्जेस्ट होता है इट फॉर्म द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स क्या ये इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इट इज नोट एन आइसो टाइप ऑफ एंटीबॉडी नहीं इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय दिट्स नहीं तो ये हमारी बॉडी में इनिशियली जब भी कोई एलर्ज जब भी कोई मेरे साथियों इंफेक्शन <coughs> होता है इंफेक्शन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंट्री कर जाए एंटीजन इंफेक्शन का मतलब क्या हो गया जब भी बॉडी में कोई एंटीजन एंट्री कर जाता है तो उससे एकदम इंस्टेंटली बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन तभी तो आपको कहते हैं कि रिसेंट इंफेक्शन से बनता है और लाइफ लॉन्ग रहता है तो इसलिए इसे ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबिलिन भी कहते हैं क्योंकि ये एक बार जिस इंफेक्शन के लिए बन जाता है लाइफ लॉन्ग बॉडी के अंदर रहता है तो एंटीजन आते ही इस पर अटैक करता है इम्यूनोग्लोबिलिन एम ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है ठीक है सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिलिन प्रेजेंट इन द सीरम हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड ब्लड और ब्लड में से हम प्लाज्मा को माइनस कर देते हैं तो जो कंपोजिशन बचता ब्लड में से सेल्स को माइनस कर देते हैं तो जो कंपोजिशन बचता है वो प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में से अगर आप मेरे साथियों क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसको हम सीरम कहते हैं तो सीरम या प्लाज्मा या ब्लड यहां पर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं यहां पर मैं ब्लड भी यूज कर लूंगा तो भी तकलीफ नहीं है यहां मैं प्लाज्मा यूज कर लूंगा तो भी तकलीफ नहीं है जवाब आपको सेम देना है हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर 75 से लेकर के 75 परसेंट मान के चलो आप तो होती है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन जी 10 से 15 परसेंट हमारी बॉडी के अंदर होती है मेरे साथियों इम्यूनोग्लोबुलिन ए ठीक है तो हमारी बॉडी में 10 से 15 परसेंट इम्यूनोगलोबिलिन और सबसे कम इम्यूनोग्लोबुलिन होती है 0.05 परसेंट इतनी कम ई तो मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन जो बॉडी के अंदर होता है वो होता है आईजीजी कितना परसेंट 75 परसेंट तो बी ऑप्शन करेक्ट आया सबको आंसर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए बताइए जरा विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा तो क्वेश्चन अभी करवा दिया मैंने प्लेसेंटा और प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न तो प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन इसके लिए हम ये भी कह सकते थे कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन मदर टू फीटस ट्रांसमिट हो सकती है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है कौन सी इम्यूनोग्लोबिलिन जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिट होती है वर्टिकल तो बी एच यू में ये इस तरह से पूछा था वर्टिकली तो किस इम्यूनोग्लोबिलिन का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है या कौन सी इम्यूनोग्लोबिलिन मदर के द्वारा अपने बेबी को सबसे पहले दी जाती है ऐसे भी पूछ लेंगे तो भी आंसर वही होगा इम्यूनोग्लोबिलिन जी क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सब लोगों को यहां तक जितना पढ़ाया है अभी तक बोलो जरा यहां तक जो बात मैंने अभी तक पढ़ाए जितने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं एवरी वन वेरी वेल ना एक बार मुझे यहां पर आप बता दीजिएगा मैं पढ़ाता हूं वो समझ में तो आ जाता है ना बच्चों आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है सरफेस एंटीबॉडी कहते हैं बेटा सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिलिन डी को क्योंकि ये डी वाला जो होता है वो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर पाया जाता है बी के साथ में रहता है इसकी सरफेस पर होता है इसलिए इम्यूनोग्लोबिलिन डी को हम सरफेस इम्यूनोग्लोबिलिन कहते हैं अच्छा मेरी टीचिंग से आप लोग सेटिसफाइड तो है कि नहीं है बच्चों सेटिस्फाइड हो मेरे एफर्ट जो मैं लगा रहा हूं उनसे आपको संतुष्टि है सेटिस्फेक्शन है क्योंकि तो मैंने पहले मेरे पूरे एफर्ट्स सॉन्डर्स को एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करवाया अब एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में मैं आपको पीआर करवा रहा हूं जिसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आपका नहीं रहना चाहिए और ना मैं रहने दूंगा ठीक है वेरी गुड शाबाश थैंक यू सो मच एवरी तो आंसर क्या आ जाएगा इमिनोग्लोबिल जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क कह देता या कोलेस्ट्रम कह देता बेटा या बॉडी सिक्रेशन कह देता बॉडी सिक्रेशन कह देता या सलाइवा कह देता या टीयर्स कह देता या जीआईटी के या रेस्पी के सिक्रेशन कह देता ऐसा कुछ भी कह देता ना अगर मैं आपसे तो आपका एक ही आंसर आएगा सबका इन सबका आंसर एक ही होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए याद रहेगा आप सबको तो आंसर निकल गया ए ऑप्शन क्लियर है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सबस्टेंस डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर इनमें से कौन सा सबस्टेंस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता यह क्वेश्चन पीआर के अंदर रॉन्ग दिया हुआ है याद रखना मेरे साथियों इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए यहां पर नॉट जो होगा यह नहीं आएगा तब जाके इसका आंसर निकल के आएगा <coughs> सबिस्टेंस दैट यहां यह हटा देना और क्या कर देना देट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर तो आंसर फिर जाके निकलेगा ऑप्शन ए क्लियर हो गया है आंसर क्वेश्चन में क्या करेक्शन है सब सही कर लेना इसको Substance या इस इम्यूनोग्लोबिलिन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर ऐसा क्वेश्चन बनेगा नॉट नहीं आएगा तो आंसर क्या निकल के आएगा इम्यूनोग्लोबिलिन जी यानी ऑप्शन ए ठीक है सबको आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेस्ट इट सेल्फ फ्रॉम की खुद की ऐसी एबिलिटी जिससे कि हमारा बॉडी किसी भी पैथोजन से अपने आप को प्रोटेस्ट करता है लड़ता है उसको हम क्या कहते हैं क्या उसको लोकोमोशन कहते हैं क्या उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं क्या उसको इम्यूनिटी कहते हैं क्या उसको सेक्रेशन ऑफ हार्मोन कहते हैं तो मेरे साथियों शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाता है ये प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता जस्ट द बॉडी हैव द एबिलिटी टू डिफेंड देम सेल्फ फ्रॉम द एंटीजेंस और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द इन्फेक्शन फेंडिंग पावर ऑफ द बॉडी इज कोल्ड एज इम्यूनिटी प्रोटेस्ट कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी इज कोल्ड इम्यूनिटी डू यू अंडरस्टैंड एवरी वन यहां में अभी थोड़ी देर बाद आपको सिखाऊंगा कि इम्यूनिटी कौन कौन सा होता है कितने टाइप का होता है सारा क्लासिफिकेशन आपको लर्न करवाएंगे आगे चलते हैं अनेचुरल पावर ऑफ द बॉडी बॉडी का शरीर का एक नेचुरल प्राकृतिक क्षमता

रेजिस्टेंस बोलोगे सेंसिटिविटी ट्रांसमिशन या इम्यूनिटी क्या कहेंगे मेरे साथियों तो इसका आंसर क्या होगा फिर से इम्यूनिटी इसे कहा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज अच्छा ये बताइए आपकी बॉडी का प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स किससे मेंटेन होता है किससे मेंटेन होता है इन्वॉल्व इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल मेमोरी बी सेल नो लैग पीरियड या स्लो और स्लजिश तो यहां पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा जैसे कि कहीं इंजरी हो गई सपोज करो एक मिनट यहां पर चोट लग गई ठीक है इंजरी साइट है ये मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग कंसंट्रेट करो यहां चोट लग गया यानी कि बच्चा खेल रहा था गिर गया है उसको यहां चोट लग गया वुंड हो गया है इंजरी हो गया है। इंजरी होते ही इंजर्ड साइट पर पैथोजेनिक अटैक होगा तो उस इंजरी साइट पर क्या होगा सुनिए जैसे कि ये कोई इंजरी साइट है और यहां इंजरी हो गया और ब्लीडिंग होने लगा तो सबसे पहले तो मेरे साथियों यहां पर नॉन स्पेसिफिक टाइप से प्रोटेक्शन होगा कैसे नॉन स्पेसिफिक टाइप से प्रोटेक्शन होगा तो यहां समझने की कोशिश करिए आप कि यहां पर ब्लीडिंग रुकेगी सबसे पहले तो ब्लड का कोगुलेशन मैकेनिज्म शुरू होगा तो उसमें काम करेगा प्लेटलेट कोगुलेशन मैकेनिज्म में काम करेगा आपका प्लेटलेट उसके बाद यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपकी बॉडी के अंदर है सेल्स यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यू जो होता है डब्ल्यू के अंदर मेरे साथियों दो प्रकार की एक तो ग्रेन्यूलोसाइट एक अग्रेन्यूलोसाइट ग्रेन्यूलोसाइट तीन टाइप का होता है एसिडोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल अग्रेन्यूलोसाइट दो टाइप का होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तो ये मोनोसाइट तो मैक्रोफेज का, का काम करता है डायरेक्ट इनगल्फ कर जाता है फेगोसाइटोसिस से ऐसे की ऐसे ही ये न्यूट्रोफिल भी मैक्रोफेज ये न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटिक होता है मैक्रोफेज इसको कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है एक टी लिम्फोसाइट होती है और एक बी लिम्फोसाइट होती है टीलिम्फोसाइट और बीलिम्फोसाइट ऐसी जिनका थाइमस ग्लैंड में होता है उनको टी सेल कहते हैं जिनका मैचुरेशन मैरो में ही हुआ उनको बी सेल कहते हैं तो ये जो टी सेल यहां पर आप देख पा रहे हो मेरे साथियों ये टी सेल क्या करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा क्या प्रोवाइड करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा इसके अलावा यहां पर देखो बी सेल क्या करेगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा सारा कंसेप्ट जितना बेटर ढंग से आपको अभी यहां समझ में आएगा कहीं भी किसी भी किताब को पढ़ने से या किसी भी कोचिंग को अटेंड करने से नहीं आएगा यह मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सीरीज मेरी लेक्चर वन से मैंने स्टार्ट की थी सोंडर्स के टाइम से अगर अटेंड कर ली किसी ने तो मेरे दोस्त एग्जाम तो क्या एक नहीं पांच एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आप ये आप निश्चिंत रहो तो यहां पर यह बात समझ में आया कि नहीं आया दूसरी बात जब भी यहां पर कोई भी ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है जब भी किसी कनेक्टिव टिश्यू को इंजरी होती है तो जरा आपसे पूछता हूं मैं इंजरी साइट पर पहुंचने वाली सबसे अर्लिएस्ट पहुंचने वाली सेल कौन सी होती है इंजरी साइट पर पहुंचने वाली सबसे अर्लिएस्ट सेल कौन सी होती है जरा आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का मोस्ट अर्लिएस्ट पहुंचने वाली सेल इंजरी साइट पर मोस्ट अर्लिएस्ट मोस्ट अर्लिएस्ट पहुंचने वाली सेल होगी मेरे दोस्त प्लाज्मा सेल कौन सी सेल होगी प्लाज्मा सेल और आप जानते हो कि जिस तरह से बी इंफोसाइट एंटीबॉडी सेल होती है वैसे ही आपके अंदर यह प्लाज्मा सेल भी एंटीबॉडी सेल होता है प्लाज्मा सेल भी क्या है एंटीबॉडी सेल है इंजरी साइट पर मोस्ट अर्लिएस्ट पहुंचने वाली सेल है प्लाज्मा सेल ये सेल जाकर के और वहां पर पैथोजेंस को रोकने का कार्य करेगी फिर यह वाली आर्मी आ जाएगी टी सेल और बी सेल और फिर उसके बाद में आपको अगर इंफेक्शन होता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम तो अब आपको यह समझ में आया क्या इम्यूनोग्लोबुलिन एम देन ये लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल इसके अलावा हमारे को डिफेंस का कार्य करने वाली एक तो स्किन नंबर चार नंबर पांच आपको पता है ऐसी डिफेंसिव प्रोटीन्स जैसे कि साइटोकाइंस वगैरह ये सब भी हमारी बॉडी के अंदर होती है इंटरफेरस ये भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जरा समझ में आया अरे पढ़ाई पे ध्यान दे लो बाद में ले लेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन तो ठीक है अभी इधर ध्यान दे लो भैया पूजा एम्स भुवनेश्वर मिल गया आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अभी बात कर लेंगे लेकिन अभी यहां ध्यान दो पढ़ाई पे ठीक ये समझ में नहीं आया तो फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करूं मैं भी चलो चलो आगे इसका आंसर क्या है बेटा यस स्लो और स्लजिश होता है यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स का आंसर ये जो सारा स्टेटमेंट मैंने बताया है ये सारा स्टेटमेंट ये सब चीजें जो बताया है ये सब कुछ होता तो है लेकिन ये प्राइमरी तो है लेकिन ये सब स्लो होता है स्लजिश होता है रोक नहीं पाता है पैथोजेंस को तो राइट right ऑप्शन क्या आ गया है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप राइस अराइज ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, इिवेंट कॉल्ड एस मेरे बच्चों यहां पर पूछ रहा हूं कि एक पहले से ही पाई जाने वाली जैसे बॉडी में सुनना क्वेश्चन को बॉडी में पहले से ही विद्यमान पाई जाने वाली एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाना कब जब कभी भी कोई इिवेंट स्टिमुलस या एंटीजन बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो क्वेश्चन एक बार समझ लो फिर से जब भी कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो ऑलरेडी पाई जाने वाली एंटीबॉडी के लेवल का बढ़ जाना क्या कहलाएगा उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं एनाफाइलैक्टिक यूज होता है क्या एनाम्स एनामनेस्टिक होता है क्या एनामनेस्टिक या नेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो मेरे साथियों जब भी कभी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी के लेवल का इंक्रीज हो जाना एनाम, नाम, एनाम नास्टिक रिएक्शन कहलाता है क्या कहलाता है एनामनास्टिक रिएक्शन ये टर्म एक बार आप अपने हाथ से लिखो चैट में एनामनेस्टिक रिएक्शन इसको कहा जाएगा क्या कहा जाएगा एनामनास्टिक एक बार चैट में लिखिएगा एनामनास्टिक रिएक्शन इसको कहते हैं वेरी एक्सीलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए नेचुरल किलर सेल्स आर एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल किलर सेल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर एनके सेल एनके सेल नेचुरल किलर सेल एनके सेल सी डी फोर वगैरह ये किसका एग्जाम्पल है एक्वायर्ड ऑटोइम्यून, इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी या इनेट? और आपको अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया जैसे प्लाज्मा सेल ठीक है प्लाज्मा सेल फिर मैंने कहा आपसे मेरे दोस्तों बी सेल टी सेल आई जी सेल, मेमोरी सेल सी डी एट सेल ये जितने भी नाम मैंने अभी लिए हैं ये सारे ही आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले नॉन स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन है इनेट एंटीबॉडी है इनेट प्रकार की एंटीबॉडी इसको कहते हैं गोड गिफ्टेड एंटीबॉडी उसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी कौन सा इम्यूनिटी है ये गोड गिफ्टेड ठीक है बेटा तो ये कहलाता है इनेट डी ऑप्शन अच्छा हम एक बात और पूछते हैं आपसे हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है इसका प्रॉपर आंसर दीजिएगा जिसको भी आता है हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है कम्युनिटी कम्युनिटी इम्यूनिटी कौन सी कम्युनिटी कम्युनिटी इम्यूनिटी क्या होता है ये ये आंसर थोड़ी हुआ पूरा जो इन्फेक्शन के बाद अराइज होती है बॉडी में इंफेक्शन को ट्रीट करती है सोशल इम्यूनिटी सोशल इम्यूनिटी पर्टिकुलर जगह स्व आदमी को वैक्सीनेशन में साठ को लगा दी वो बाकी चालीस को कवर कर लेगा वाह वे ट्वेंटी वेरी गुड किस टीचर से पढ़ा बेटा तू कम्युनिटी किस से सीखा या तेने सेल्फ सीखा आरजे ट्वेंटी मैं तेरे से जानना चाहता हूँ तू एक बार मुझे ये बता कि तुझे पढ़ाया किसने है बहुत एक्सेलेंट जवाब है आरजे ट्वेंटी तेरा जेके कैसे पढ़ा बेटा तेना ये सेल्फ पढ़ा या किसी से पढ़ा या क्या करा अच्छा चेतन सर से पढ़ा है वाह वेरी गुड वुगली का स्टूडेंट है आरजे ट्वेंटी वगली का स्टूडेंट है तू एक्सीलेंट बेटा तेरे मास्टर को भी और तुझे भी सुनाओ देखिए बेटा जब भी कभी कोई ऐसा इंफेक्शन आ जाए ऐसा इंफेक्शन आ जाए जिसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक स्कीम यहां पर लगाते हैं दिमाग लगाते हैं उस दिमाग को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी वाला दिमाग कैसे लगाते हैं मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अब पूरी पॉपुलेशन में उस डिजीज को रोकना संभव नहीं हो पा रहा है नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें बेटा हम इस पूरी कम्युनिटी के मोस्ट ऑफ लोगों को मोस्ट ऑफ जैसे कि कहा अभी आरजे ट्वेंटी ने कि अगर हम 100 लोगों की पॉपुलेशन लेते हैं तो 60 लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें इम्यूनाइज कर दें अब 40 लोग जो होंगे वो अपने आप इससे प्रिवेंट हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे तो हम अगर इस रेशो में इम्यूनाइजेशन को फॉलो करें तो इसको हम हार्ड इम्यूनिटी कहेंगे क्या होगा ये सुनिए इसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है कैसे काम करता है हार्ड इम्यूनिटी तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि इसमें हम क्या कर देते हैं डिजीज के साइकिल को डिजी साइकिल को ब्रेक कर देते हैं क्या कर देते हैं बेटा डिजीज साइकिल को ब्रैक कर देते हैं क्या कर देते हैं डिजीज साइकिल को ब्रेक कर देते हैं बात समझे आप यानी कि डिजी साइकिल कैसे ब्रेक हुआ अब जैसे एक दो तीन चार पांच छह लोग तो पैथोजन हर एक पैथोजन का क्या होता है एक डिजीज साइकिल होता है जैसे आप जानते हो हर एक पैथोजन का क्या होता है बेटा एक डिजीज साइकिल होता है तो हम क्या कर देंगे कुछ मोस्ट ऑफ लोगों को इम्यूनाइज कर देंगे अब मान लो जैसे ये एजेंट है अब ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन ठीक है अब ये पर्सन ये एजेंट यानी एंटीजन इसमें घुसा ये इम्यूनाइज्ड पर्सन है तो इसमें इसका डिजीज साइकिल ब्रेक हो गया ये यहां से आगे फैला तो इसके अंदर गया तो इसमें इंफेक्शन ये हल्का एंटीबॉडी डेवलप कर देगा इसमें इंफेक्शन कोज नहीं कर पाएगा तो इसका पैथोजन का डिजीज साइकिल जो है वो कभी भी पूरा नहीं होगा और उस एरिया के लोग पर्टिकुलरली उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडी डेवलप कर लेंगे इसी प्रोसेस को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया आज आप सबको कि क्या होता है हार्ड इम्यूनिटी <coughs> क्रिस्टल क्लियर है बेटा सबको अब यानी कि ऐसा इम्यूनिटी जो डिजीज साइकिल ब्रेक करके और काम करता है उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी आई थिंक मुझे लगता है कि आज ही समझ में आया होगा आपको हकीकत में तो पढ़ाई तो आप बहुत अधिक समय से कर रहे होंगे लेकिन समझ आज पाए होंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है तो जरा यहां पर मेरा क्वेश्चन यह था कि इनेट इम्यूनिटी गोड गिफ्टेड इम्यूनिटी नेचुरल किलर सेल बी सेल टी सेल प्लाज्मा सेल और एनके सेल सी डी फोर सेल सी डी एट सेल टी हेल्पर सेल टी किलर सेल जिसको नेचुरल किलर का टी सप्रेशर टी मेमोरी ये सारी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये सब नॉन स्पेसिफिक है और इस तरह के नॉन स्पेसिफिक जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इनेट कहलाता है गुड गिफ्टेड कहलाता है नेक्स्ट जवाब दीजिए आप सेल दैट टेक पार्ट इन द इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल कौन सी सेल है इनमें से जो इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज टी सेल एनके सेल इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है तो अब यहां पर जरा देखो आप सब नॉन स्पेसिफिक है लेकिन यहां पर ज्यादा बेटर तरीके से मेरे साथियों नेचुरल किलर सेल जो होती है वो परफॉर्म करती है इसलिए आंसर क्या लगाना पड़ेगा एन के सेल यहां पर चूज करना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शन डू यू अंडरस्टैंड एवरी वन नेक्स्ट थाइमस रिलेटेड टी सेल कौन सा है थाइमस रिलेटेड टी सेल

तो थाइमस ग्लेंड टी सेल का ननिहाल होता है बेटा क्या होता है ननिहाल यहां पर यह पलती बढ़ती है बड़ी होती है मैच्योर होती है ये क्या करती है बॉडी की खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इसलिए आपको क्या बोला गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो सेल पे आधारित है सेल से संबंधित है सेल को मीडिएट करके जो इम्यूनिटी बॉडी को मिल रहा है यानी कि सेल पे डिपेंडेंट इम्यूनिटी जो है वो है आपका टी सेल से मिलने वाला इम्यूनिटी सो रिकॉग्नाइज द बॉडीज ऑन सेल ये हमारी बॉडी की सेल को रिकॉग्नाइज करता है नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा टी इम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन टी इम्फोसाइट इस क्वेश्चन का जवाब दो तो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है काफी रिपीटेड क्वेश्चन है अभी मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसको एक्सप्लेन किया है इसलिए किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि टी लिम्फोसाइट से कौन सी टाइप की इम्यूनिटी मिल रही है हमें और मैक्सिमम आप लोग क्लास में समय से आके बैठ जाया करो बेटा दस बजने में फाइव मिनट पहले आप क्लास में पहुंच जाया करें और लाइव ही क्लास को अटेंड किया करें क्योंकि सबसे मैक्सिमम टू वे इंटरेक्शन हम लोगों को स्पीड इंप्रूव करवाएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कंपटीशन निकालने के लिए दो बातें विशेष होती है एक स्पीड और एक नॉलेज नॉलेज अच्छा है लेकिन स्पीड नहीं है तो पेपर छूट जाएगा और अगर आपका स्पीड अच्छा है लेकिन नॉलेज नहीं है तो नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा और दोनों ही फैक्टर को कम करने का तरीका है कि रियल टाइम इंटरेक्शन अच्छे से नॉलेज और बढ़िया सटीक तरीके से सीखो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करो आई थिंक आप समझ गए होंगे सब लोग तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इससे मिलता है बी ऑप्शन आपका जवाब आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसे कहा जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय द मास्ट सेल या फिर रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजन बाय न्यूट्रोफिल एनकाउंटर ऑफ पैथोजन बाय बिल इंफोसाइड रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय द टी सेल वेरी गुड शाबाश, एक्सीलेंट आपका आंसर ये हो गया डी ऑप्शन अच्छा ये बताओ इसका जवाब क्या होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे मिलती है इम्यूनिटी किससे मिलती है इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन है वेरी गुड तो सी ऑप्शन आपके पास यहां दिया है एनकाउंटर द पैथोजन बाय द बिलिम्फोसाइड बिल इंफोसाइड जो पैथोजन को किल करती है उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि ह्यूमर मतलब बॉडी के फ्लूड्स में पाई जाने वाली इम्यूनिटी तो फ्लूड्स की रक्षा करती है बी सेल -cell और सेल्यूलर इम्यूनिटी देती है आपकी टी सेल क्लियर हो गया ना आ, यहां तक एक सांस ले लो बिल्कुल क्लियर हो गए कि नहीं हुआ एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्लियर हैं अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन के नंबर बढ़ाएं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फिर से क्वेश्चन आ गया यार इसका भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है बताइए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे मिलेगा वेरी गुड टी सेल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडी किससे बनती है प्लाज्मा बेसोफिल। एंटीबॉडी किससे बनती है अच्छा आप मुझे तो ये बताओ आप चलो आपने ये तो आंसर बता दिया प्लाज्मा सेल किससे बनती है कुछ क्वेश्चन बताओ प्लाज्मा सेल किससे बनती है आंसर लिखते जाओ चैट में प्लाज्मा सेल किससे बनती है ब्लड में होती है वारे गधो मेरे प्यारे बंदरो प्लाज्मा सेल ब्लड का सेल है क्या ब्लड सेल है प्लाज्मा सेल वारे गमारों गधों क्या क्या बोलूं तो मैं बंद रो जो बोल सकता हूं बोलूंगा मेरे प्यारे गधों ये प्लाज्मा सेल बी सेल से डिफ्रेंशिएट होकर के बनती है बी सेल डिफ्रेंशिएट होकर के प्लाज्मा सेल बनाती है ये भी एंटीबॉडी सेल है ठीक है और इसलिए ये भी एंटीबॉडी सेल है ठीक है यह भी एंटीबॉडी सेल है यह कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाने वाली सेल है और यह ब्लड सेल है ठीक है ना बेल इंफोसाइट ब्लड सेल है यह कनेक्टिव टिश्यू सेल है अब मुझे बताओ बेल इंफोसाइट की मेलिग्नेंसी का कोई एक मेलिग्नेंसी का नाम बताओ ऐसी मैलिग्नेंसी जो बिल इंफोसाइट की वजह से होती है उस मैलिग्नेंसी का नाम बताओ अब ऐसी मैलिग्नेंसी का नाम बताओ जो बिल इंफोसाइट की मैलिग्नेंसी है वेरी गुड आंसर क्या होगा होकिंस डिजीज हिमैटो में अभी आगे आने वाला है होकिंस डिजीज किसकी मैलिग्नेंसी है बी इंफोसाइड की अब मुझे यह बताओ कोई एक मैलिग्नेंसी का नाम बताओ जो प्लाज्मा सेल की मैलिग्नेंसी है प्लाज्मा सेल की मैलिग्नेंसी का नाम बताओ शाबाश प्लाज्मा सेल का मेलिग्नेंसी यानी कि मल्टीपल माइलोमा तो ये जितने भी मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम बीस बीस क्वेश्चन दे रहा हूं ना एक्स्ट्रा वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लैंग्वेज चेंज करके जो एक टीचर की लैंग्वेज होती है ठीक है मेरे बच्चों तो आप चाहो तो उनको नोट कर लेना कहीं पर तो ये है आपका आंसर ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा इम्यूनिटी इज मीडिएटेड अरे यार बहुत सिंपल सवाल आ गया किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए बा मेरे गजोधर बहुत सिंपल सवाल आ गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे मिलेगा बहुत ही सिंपल सवाल शाबाश एक्सीलेंट भाई साहब ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे मिलेगा बी सेल से टी इज अफेक्टेड बाई एच आईवी इंफेक्शन एच आईवी इन्फेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है सवाल बड़ा सिंपल आ गया फिर से एच आई वी में कौनसी टाइप की इम्यूनिटी अफेक्ट होती है एच आई वी में मेरे साथ यो नेचुर इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी सेलूलर इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी अच्छा आप समझ लो एक बात हम जानते हैं यहां समझा रहा हूं ध्यान देना इधर हम ये जानते हैं ब्लड सेल सुनो इधर ब्लड सेल्स ब्लड में तीन टाइप की सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ठीक डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का ग्रेन्यूलो अग्रेन्यूलो ग्रेन्यूलो तीन टाइप का एसिडो बैसो न्यूट्रो अग्रेन्यूलो दो टाइप का मोनो और लिम्फो लिम्फो भी दो टाइप का टी लिम्फो और बी लिम्फो टी लिम्फो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सबसे पहला सी डी फोर प्लस यानी कि टी हेल्पर दूसरा सी डी एट प्लस यानी कि टी किलर तीसरा टी सपरेशर और चौथा टी मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है यह वाला सी डी फोर काउंट का बढ़ना या घटना अगर सी डी फोर काउंट बढ़ा तो ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह हो जाएंगी ठीक है यदि अगर सी डी फोर काउंट घटा तो इम्यूनो डिफिशियंसी जाएंगे। <coughs> नॉर्मली इसका लेवल मेरे दोस्तों पंद्रह सो तक रहता है कितना रहता है पंद्रह सो तक यानी कि पांच सो से लेकर पंद्रह सो के बिटवीन ये रहना चाहिए जब सी डी फोर का लेवल एवरेज बात पूछी जाए तो लगभग 950 तक सी डी फोर एवरेज रहनी चाहिए यदि सी डी फोर का काउंट का 200 से लेकर के और 499 तक आ रहा है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा इम्यून डिसऑर्डर हो जाएंगे यदि सी डी फोर काउंट का, का लेवल 200 से कम रह गया तो इसको एक गाना सुनाना पड़ेगा और क्या कोई बता सकता है अब मैं कौन सा गाना गाऊंगा किसी में सी डी फोर काउंट यदि कम हो गया तो इसके लिए मैं कौन सा गाना सुनाऊंगा इसके सम्मान में याद है क्या किसी को कोई मुझसे पढ़ा हो तो <laughs> ये एक गाना सुनाएगा बेटा मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता ठीक है यानी किसका लेवल ऐसा हो जाता है जिसका सीडी फोर दो सौ से कम रह जाता है उसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और आपको तो पता है न्यूमोसिस्टिक कैरिनी जीरोवैसी जैसे इंफेक्शन न्यूमोसिस्टिक कैरिनी या जीरोवैसी ठीक है और कैंसर की पूछूंगा तो कपोसी सार्कोमा ये सारे ये कैंसर मैलिग्नेंसी एड्स वालों में इन्फेक्शन पूछूंगा तो न्यूमोसिस्टिक जीरोवैसी और कैरिनी बातें की ये तब होगा जब सी डी फोर दो सौ से कम रह जाए तो पूरा ऐसे लेकर के जेड तक मैंने आपको कहानी सुनाई करीब 20 से 30 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर समझाए बताओ अब उद्धार होगा कि नहीं होगा इसके बावजूद भी जिसने भुगली पढ़ लिया अब उसका फिर भी अगर कहीं उद्धार रुक जाए तो फिर तो वो बच्चे की कमी है कि नहीं है बोलो जरा बात समझ में आ गया हो जाएगा भैया शाबाश तो आंसर क्या आ गया यहां पर अफेक्टेड एच में एच में कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाएगी तो टी सेल से इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाएगी टी सेल टी सेल से मिल रही थी जो इम्यूनिटी सी डी फोर से वो इम्यूनिटी अफेक्ट होगा ना तो आंसर क्या आ जाएगा अब सेलुलर रटने की जरूरत नहीं है रट्टा फिनिशिंग की जरूरत नहीं है यानी कि आपको मैंने बता दिया सी डी फोर सी डी फोर एक प्रकार का टी सेल है टी हेल्पर और टी की वजह से मिलता है सेलुलर और सेलुलर आंसर अपने आप आ गया मुझे याद याद कुछ भी नहीं है मुझे आता भी नहीं है कुछ भी मेरे बच्चों ना मुझे कुछ याद है मैं तो बस पढ़ाने आ जाता हूं उठ के मुंह धोके याद अपने आप आ जाता है ठीक है मेरे को आता जाता कुछ भी नहीं है ये ध्यान रखना तुम लोग ज्यादा मेरे चक्कर में भी मत पड़ना मैं तो पढ़ाने आ जाता हूं मुंह धो के आंसर अपने आप आ जाता है ठीक है ओके श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भैया ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है पीआर के अंदर अब इस क्वेश्चन को मैं अभी बता देता हूं अब सुन लो द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज अब यहां पर ध्यान देना इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर पूछा था लेकिन इसने आंसर में गुड रेगुलेटर दे रखा है आंसर में गुड रेगुलेटर दे रखा है टी हेल्पर मतलब सी डी फोर प्लस ये आंसर दिया हुआ है यही दे रखा है ना डी फोर प्लस आंसर में दिया हुआ लेकिन पूछा था चीफ ओके चीफ का मतलब गुड नहीं होता है चीफ का मतलब तुच्छ तुच्छ सा तो यहां पर लिख लो भाई साहब बिल्कुल तुच्छ ठीक है तो इम्यूनिट मैकेनिज्म का तुच्छ सा रेगुलेटर ये भी बढ़िया है ये भी बढ़िया ये भी बढ़िया है तो सपरेशर टी सेल इसके अंदर आंसर जाएगा भाई साहब डी ऑप्शन ये आंसर है वुगली का जिसके हिसाब से तुम लोगों को करेक्ट करना है अपनी पी में और ये आंसर दे रखा है पी का जिसके हिसाब से तुम अभी तक चलते आ रहे हो डू यू अंडरस्टैंड इन्होंने आंसर में लिख रखा है गुड गुड रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इम्यून मैकेनिज्म का गुड रेगुलेटर आंसर दे रखा है इसने ठीक है सी फोर क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं अब आपको समझ में आ गया होगा शायद अच्छा <laughs> हरे लक्ष्यों से हो ना पाए कदम हेल्पर सेल बिलोंग टू हेल्पर सेल किस तरह की सेल है बड़, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये तो सबका भी करेक्ट आ जाना चाहिए एक एक बच्चे का कोई भी इसको गलत ना करे एग्जामिनर को क्या आंसर देना है वही तो पढ़ा रहा हूं मैं मैं वो ही पढ़ा रहा हूं जो एग्जामिनर को आंसर देना है आपको एग्जाम में देना है ठीक है समझदार के लिए इशारा काफी होता है तो हेल्पर सेल क्या है टी सेल है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी खुद की एंटीबॉडी कौन शरीर बना लेता है कब जब कोई डिजीज या रिकवरी या वैक्सीनेशन तो इसे क्या बोला जाएगा क्या बोलोगे मेरे पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोलोगे भैया क्वेश्चन अच्छा ये सबको इम्यूनिटी का पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह सबको वेरी वेल आता है कि नहीं आता है या मैं पढ़ाऊं इम्यूनिटी बहुत वेरी वेल तरीके से सबको आता है कि नहीं आता है नहीं आता है सब पसर गए सब पसर गए सब पसर गए भाई साहब सब के सब पसर गए फैल गए सब के सब सुन लो फिर <coughs> देखो जो तुम लोगों को आता है ना मैं उसी से बात सिखाऊंगा ठीक है देखो समझो और सीखो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी यानी स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करूंगा मैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैसे कैसे आता है और बनता है तो इम्यूनिटी <coughs> के लिए हम यहां पर आपको बात बताएं सबसे पहले हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इन्फेक्शन हो जाने पर आता है दूसरा हम इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से डेवलप कर सकते हैं ठीक है तीसरा हम इम्यूनिटी मेरे बच्चों डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन से डेवलप कर सकते हैं किससे इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगा करके आईवी माध्यम से ठीक है आईवी रूट से या फिर मदर से उसके बच्चे में एंटीबॉडी जाता है यही चार तरीके होते हैं इसके अलावा कुछ तो नहीं जानते हो ना इन चार के अलावा कुछ तो नहीं जानते हो ना बोलिए जरा बिल्कुल बताते रहो हंड्रेड परसेंट कोऑर्डिनेशन में तब जाके एकदम हंड्रेड परसेंट कभी लाइफ में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इम्यूनिटी का और इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा सारे शट 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 आंसर आ जाएंगे अब देखो अब मुझे बताना अच्छा ये इंफेक्शन इन्फेक्शन क्या है एक तरह का एंटीजन है इनके मीनिंग लिख रहे हैं अब अपन है ना इन्फेक्शन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है एक तरह का एंटीजन है वैक्सीनेशन क्या है एक तरह का एंटीजन है जो आर्टिफिशियल तरीके से हमने तैयार कर रखा है ये तो नेचुरल है क्या है ये नेचुरल ये क्या है आर्टिफिशियल ठीक है इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है डायरेक्ट एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है डायरेक्ट एंटीबॉडी है ये भी क्या है डायरेक्ट एंटीबॉडी है जो मदर से आई ठीक है इसमें इसमें अंतर क्या है अरे ये आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है ये नेचुरल है ठीक है अब ये तो दोनों बनी बनाई एंटीबॉडी है तो इसमें तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये दोनों इसके शरीर ने बनाई क्या क्या इसकी बॉडी ने खुद बनाई क्या ये नहीं ना बाहर से प्रिपेयर्ड करके हमने अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है या कहीं से आया तो ये दोनों किस तरह के हो गए बेटा पैसिव कैसे हो गए पैसिव क्योंकि ये बाहर से गया बाहर से आया तैयार करके हमने बॉडी में इंजेक्ट करवाया तो कैसा हो गया पैसिव अब यहां देखो इन्फेक्शन इन्फेक्शन से क्या हुआ नेचुरल इसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन में का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन गया तो इसकी बॉडी ने खुद ही बनाई तो नेचुरली इसकी बॉडी ने खुद बनाई इसमें क्या करा इसमें आपने एंटीजन इंट्रोड्यूस किए बॉडी के अंदर वैक्सीन किया वैक्सीनेशन डाला जैसे ओपीवी टीटी ये सारे वैक्सीनेशन किए ठीक है डीपीटी तो वैक्सीनेशन किया तो आपने एंटीजन इंट्रोड्यूस किया अब ये एंटीजन क्या था आर्टिफिशियल था आर्टिफिशियल था लेकिन वैक्सीनेशन तो आर्टिफिशियल था लेकिन इसकी बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडी बनाई इसकी बॉडी ने इस केस में भी खुद ही एंटीबॉडी बनाई इस केस में भी खुद ही एंटीबॉडी बनाई तो ये दोनों किस तरह के हो गए बेटा ये दोनों एक्टिव हो गए तो अब आपको समझ में आया मैंने उल्टा पढ़ाई पढ़ाता हूं सीधी अपने आप आ जाती है अब सुनो इम्यूनिटी दो प्रकार की एक्टिव और पैसिव एक्टिव भी दो प्रकार की आर्टिफिशियल नेचुरल और पैसिव भी एक्टिव भी दो प्रकार की आर्टिफिशियल नेचुरल आर्टिफिशियल और पैसिव भी दो प्रकार की नेचुरल आर्टिफिशियल ये मिलती है इंफेक्शन या एंटीजन से यह मिलती है एंटीजन वैक्सीन से और यह मिलती है बेटा एंटीबॉडी डायरेक्ट लगाने से इंजेक्शन जैसे कि आप टिटनेस का टी आई टी एस लगाते हो लगाते हो आप इससे डायरेक्ट मदर से जैसे मदर से गया इम्यूनोग्लोबुलिन जी और ए। अब बताओ आज के बाद क्या कोई इस तरह का सवाल रोंग होगा किसी का हाँ, बता दो जरा भैया ये वाली ही ये वाली ये वाली कब कब देते हैं ये सुन लो जैसे टिटनस हो जाएगा तो उस कैस में भी देते हैं ठीक है जैसे किसी को हेपेटाइटिस हो जाएगा तो भी ये लगानी है जैसे किसी को जीबीएस हो गया तो भी लगाएंगे जैसे किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया तो भी लगाएंगे यानी ऑटो इम्यून डिजीज जितने भी होंगे उनमें जो एंटीजन बॉडी एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम आर्टिफिशियली तैयार किए गए डायरेक्ट एंटीबॉडी लगाते हैं वो ये इम्यूनिटी होगा तो ये कैसा होगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ये नेचुरल पैसिव ये आर्टिफिशियल एक्टिव और ये नेचुरल एक्टिव उंगलियों पे आया नहीं आया सारा टॉपिक बोल दो जरा अब अरे क्रिस्टल क्लियर है गजोदर अब बता दो मुझे यहां पर एवरी वन एक्सीलेंट तरीके से सीख गए कि नहीं सीखे अब क्वेश्चन कर लो इससे रिलेटेड सारे आज फाइनली मेरे दिमाग में फिट हो ही गया अरे जब साहू सर खड़े सामने भैया तो ऐसा क्या बना नर्सिंग में जो दिमाग में फिट ना हो तो पढ़ा लिखा है मैंने तो अनपढ़ों के दिमाग में फिट करवा दी है भाई साहब <laughs> तो अब जवाब दो आप अब आंसर निकाल दो फटाफट वैक्सीन से कौन सी इम्यूनिटी आई वैक्सीन से सबसे पहले तो एक्टिव आएगी कौन सी आएगी भैया तो वैक्सीन के बारे में क्या सीख गए आप वैक्सीन में एंटीजन दिया और एंटीजन दिया तो शरीर ने बॉडी ने खुद ही बनाया बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाया तो बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाया तो कौन सा एंटीबॉडी इम्यूनिटी कहलाएगा ये? तो वैक्सीन से जो एंटीबॉडी मिलेगा वो कैसा <coughs> अब यहां पर दो आंसर हो सकते हैं इसके, इसके दो आंसर हो सकते हैं इसने ये भी कह दिया ठीक है चलो ये तो नहीं है पैसिव तो नहीं है ये भी नहीं है लेकिन क्या ये कोई चैलेंज कर सकता है कि इसमें ए ही सही है कोई चैलेंज कर सकता है क्या क्या इसका ए ही सही आंसर है क्या सी सही आंसर नहीं है इसका आपसे पूछता हूं मैं क्या सी इसका आंसर सही नहीं है हम्म ये ए आंसर गलत है और ए आंसर इस क्वेश्चन का रोंग आंसर है अरे भाई साहब ए तो अब मैं लगाऊंगा ही नहीं गलत है वो क्यों गलत है जब डिजीज होती है तो क्या डिजीज होने पर एक्वायर्ड टाइप से एक्वायर्ड करके एंटीबॉडी बनती है क्या बॉडी में डिजीज से कैसी बनती है बेटा नेचुरल शरीर खुद बनाता है ओके मैक इट्स ओन एंटीबॉडी नेचुरल ठीक है वैक्सीनेशन से माना आर्टिफिशियल है वैक्सीनेशन से आर्टिफिशियल है लेकिन एक्टिव है शरीर खुद बना रहा है ठीक है रिकवरी में नेचुरल है भाई साहब और एक्टिव है तो फर्स्ट ऑप्शन के कंपेयर में ज्यादा सटीक आंसर जा रहा है बेटा सी ऑप्शन कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है सी ऑप्शन परफेक्ट जा रहा है बात समझ में आई इतनी एरर एरर है इसमें कि वो सारी एरर जब तुम्हारे सामने निकाल के लाके रखूंगा ना जब तुम्हें पता चलेगा कि यार हम क्या कर रहे थे अभी तक हमारी जॉब क्यों नहीं लग रही थी अभी तक ये सारा पता चल जाएगा आपको पूरी क्लासेस अटेंड करते करते कि यार हम कर क्या रहे थे क्या रट रखा था हम लोगों ने और अब हकीकत सामने निकल के आ रही है तो क्या हो रहा है ठीक है अरे समझ में आया बेटा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड कुछ नहीं होता दोनों वर्ड जोड़ दिए थे नेचुरल भी एक्वायर्ड भी एक्टिव दो प्रकार की नेचुरल और एक्वायर्ड आपको क्या पढ़ाया मैंने इम्यूनिटी मैंने कहा एक्टिव और पैसिव ठीक अब एक्टिव भी दो प्रकार की एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल पैसिव भी दो प्रकार की नेचुरल और आर्टिफिशियल ठीक है अब इस इस तरीके से कौन सी बनेगी जब कोई इंफेक्शन हो जाएगा कोई डिजीज हो जाएगी ये कब बनेगी जब आप वैक्सीन लगाओगे ठीक है ये कब बनेगी जब आप मेरे बच्चों पैसिव डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिलिन सॉरी ये कब बनेगी मदर से मदर से जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जाता है ठीक है ये कब बनेगी जब आप डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन लगाते हो अब समझ में आया कि नहीं आया अब बताओ अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आप फिर चलेंगे आंसर पे तो अभी आप ही से पूछूंगा अब आप लगा के बताना जो मैं कह रहा हूं वो सही है या इसमें दे रखा वो सही है अभी क्योंकि आप भी निकालोगे आंसर सेम ये समझ में आएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अब देखो अब चलना अब क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो इन्फेक्शन और डिजीज ये दे रखा है एक तो डिजीज और एक वैक्सीन भी दे रखा है ऐसा कह रखा है क्वेश्चन ने तीन तीन बातें दे रखी है कि रिकवरी फेज डिजीज हो जाती है तब और वैक्सीनेशन से तब अब ज्यादा सही आंसर इसको मानोगे या इसको मानोगे ज्यादा बेटर आंसर ये होगा कि यह होगा आप तो ये बताओ मुझे आर्टिफिशियल होगा सही या एक्टिव सही होगा आपके हिसाब से मेरे हिसाब से मत चलो आपके हिसाब से बताओ ज्यादा बेटर आंसर क्या होगा अगर ये दोनों ऑप्शन में दे रख क्वेश्चन में दे रखें ये दोनों क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है तो अब आंसर क्या दोगे ये यही दोगे ना ये तो नहीं लगाएगा ना कोई भी अधूरा आंसर है ना ये ये अधूरा आंसर है कि नहीं है पूरा आंसर क्या है ये समझ गए अब आप बात तो अब इसका आंसर निकालो अब आप अब आप निकाल के बताओ कहा इसने वेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी जब शरीर अपनी खुद की एंटीबॉडी बनाता है बाय हैविंग डिजीज बीमारी हो जाती है तब या फिर रिकवरी में या फिर वैक्सीनेशन से तो इट इज नोन एज क्या इसको एक्वायर्ड कहना उचित होगा नहीं तो आंसर क्या होगा एक्टिव इम्यूनिटी आप बिल्कुल क्लियर हुआ कि निवा अरे भाई बोलो अब समझ में आई मेरी बात अब तुम्हें पता चला कि क्यों अभी तक हम हम पढ़ के जाते हैं हमारी जॉब नहीं लगती है हमें सब याद है रटा हुआ है है सर मिस्टेक है? क्योंकि आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है अच्छे गाइड की नहीं गाइड से कभी कोई जॉब नहीं लगता है टेस्ट सीरीज से कभी कोई जॉब नहीं लगता है क्योंकि मेरे बच्चों उसके अंदर इतनी एरर होती है कि उसके लिए एक रोबोट नहीं जीवित व्यक्ति चाहिए जो उसको सही ढंग से डिलीवर कर सके आपकी खोपड़ी में बिठा सके तब एग्जाम निकलता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो अब आप इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम डीपीटी डीपीटी क्या है वैक्सीन है तो वैक्सीन से जो मिलेगी वो कैसी पहली बात तो ये एक्टिव होगी बॉडी के अंदर वैक्सीन से जो मिलेगी वो एक्टिव होगी लेकिन आर्टिफिशियल रहे आर्टिफिशियल होगी आप इसके ऑप्शन मत देखो वरना मिस्टेक कर जाओगे तो आंसर क्या होगा एक्टिव आर्टिफिशियल तो आपका आंसर क्या चला जाएगा इसमें आंसर क्या चला जाएगा एक्टिव आर्टिफिशियल ठीक है नेक्स्ट आर्टिफिशियली क्वेश्चन आर्टिफिशियक्वायर्ड तो किस आर्टिफिशियलीबोडी रिस्पॉन्स रिकवरी फ्रॉम डिजीज एक्सपोजर टू डिजीज बी ब्रेस्ट फिट तो किससे होगी इम्यूनाइजेशन से तो इम्यूनाइजेशन किससे होगा वैक्सीन से हो इम्यूनाइजेशन करके जो बॉडी में एंटीबॉडी बनाई जाती है उससे ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड होता है इम्यूनिटी गिवन बाय टीटी वैक्सीन टीटी वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आएगी वो कैसी होगी वैक्सीन है इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन से जो मिलती है वो कैसी होगी आर्टिफिशियल बट एक्टिव तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा आर्टिफिशियल एक्टिव यानी कि आंसर क्या चला जाएगा डी ऑप्शन अब मुझे लगता है अब आपको इन ऑप्शनों की जरूरत नहीं पड़ रही है ना अरे एम आई राइट या नहीं मुझे मेरी टीचिंग पे इतना तो भरोसा है ऑप्शनों <laughs> की जरूरत नहीं पड़ रही होगी अब आपको यस yes नो हाँ और जब ऑप्शनों की जरूरत खत्म हो जाएगी ना तब जाके सही आंसर आने लगेंगे और नेगेटिव बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा जो ऑप्शनों पे डिपेंड रहेगा वो कभी भी सही आंसर नहीं निकाल पाएगा ठीक है और ज्यादातर जितने क्रैश कोर्सेज मैं पढ़ाता हूं अभी जैसे के और जिम्स पढ़ा रहा हूं ना तो मेरे ज्यादातर मेरे पैटर्न इस तरह के हैं मेरे बच्चों जिसमें बिल्कुल आंसर से हम डील करवाते हैं यानी कि आपको गिचपिच नहीं करते माइंड को सटीक बात क्वेश्चन और आंसर तो उससे क्या होता है कि बच्चे को टू द पॉइंट बात याद करवाता और अगर ऑप्शन तो आप गलत ही चूज करोगे ठीक है ना आपका आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाना चाहिए ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए ठीक है क्या कह रहे हो बेटा सर ये कभी नहीं आई समझ में आज तो आपने पढ़ाया एक बारी में ही आ गया वो वेरी गुड ईश्वर का आशीर्वाद है मुझे अरे हनुमान जी का आशीर्वाद है भाई साहब ऐसे ही नहीं बढ़ा रहा हूं ठीक है नेक्स्ट देखिए वैक्सीन और टॉक्सीन से क्या बनेगी टॉक्सोइड और वैक्सीन से कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी टॉक्सोइड और वैक्सीन से अब फिर से आंसर आ गया वैक्सीन से कौन सी मिलेगी बेटा वैक्सीन से वही बात टिटनेस टॉक्सोइड या वैक्सीन से तो वैक्सीन से बनती है आर्टिफिशियल और एक्टिव तो यहां पर क्या जवाब दोगे क्या आंसर लगाओगे अब इसमें अब इसने फिर गलत आंसर दे रखा है इसने फिर भी गलत आंसर दे रखा क्या दे रखा है इसको निकालना इसकी पोल खोलना जरा पिहार यादव की पोल खुल रही है सामने धीरे धीरे आती जा रही है पहले तो मैंने हाथ नहीं लगाया था लेकिन अब मैंने एग्जाम को देख के हाथ लगाया ना तो सामने निकलती आ रही है पोल खुलती जा रही है क्या दे रखा है इसने आंसर आंसर बताना इसका <laughs> क्या दे रखा है इसने सर आपका टीचिंग मैजिक है सर दिमाग में फिट बैठ जाता है <laughs> तो यहाँ पर इसने क्या दे रखा है इसने भाई साहब ये दे रखा है, आंसर। ये कह रखा है इसने कि पढ़ पढ़ के जाएंगे तो वो एग्जाम में क्या करेंगे और जो लॉलीपॉप मास्टर होते हैं इधर उधर के जो थोड़ी सी नर्सिंग करी अभी तक तो खुद का आता पता नहीं है और उनपे तुम कोचिंग करने चल जाते हो वो यही पढ़ाते हैं वो नहीं पकड़ पाते इनके रोंग आंसर वो यही कराते हैं यही आंसर बता देते तो हो, हो भाई साहब फिर तुम्हें पता चलता कि हम अटक क्यों रहे क्या कारण है जिससे कि बच्चे की जॉब नहीं लगती क्योंकि ये गाइड आपके सबके हाथ में है ये मैं पक्का जानता हूं और इसीलिए मैंने इसको उठाने का सबसे पहले डिसीजन लिया मैंने कहा इसको उठाओ यार क्योंकि इस पे मैक्सिमम बच्चा डिपेंड है ठीक है तो भाई साहब ये इसमें गलत दे रखा है और आंसर क्या होगा एक्टिव इम्यूनिटी सही आंसर ये होगा ठीक है और या फिर आंसर ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर है नेक्स्ट हाउ मेनी मंथ बेबी यूज ओनली द मदर्स इम्यूनिटी कितने महीने तक बच्चा मदर की इम्यूनिटी को यूज करता है बड़ा सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन है महीने तक करता है इसको याद कर लेना और यह समाप्त हुई आपकी आज की क्लास मुझे समय लग गया आज डेढ़ घंटा एक घंटे सत्ताईस मिनट का समय लगा लेकिन हमने पूरे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ठीक है मेरे बच्चों सुबह साढ़े दस बजे के लगभग मेरी साढ़े दस या ग्यारह बजे के लगभग मेरी क्लास रहेगी के क्रैश कोर्स के अंदर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करो चाहे मैं यूट्यूब में ले रहा हूं ऐप में ले रहा हूं आपकी जिंदगी और भविष्य का सवाल है मेरा सवाल नहीं है क्लियर है मेरे बच्चों तो आज के लिए बस यहीं तक थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट शुभ रात्रि हर हर बुगली घर घर वुगली हाँ जिम्स कैंसिल हो गई है के का एग्जाम पहले होगा जिम्स का कैंसिल हो गया अभी हम मेनली फोकस करें फिर के पर ठीक है थैंक यू सो मच